कल राजौरी यानी पीर पंजाल के दक्षिण में थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आज बारामूला में है, कश्मीर घाटी में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मिशन कश्मीर 3 दिन तक चला, लोगों से मिले, नेताओं से मिले, अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठकों का दौर भी किया और जनसभा को संबोधित किया। यह भरोसा दिखाने का उन्होंने प्रयास किया कि जम्मू और कश्मीर की सुरक्षा और विकास केवल मोदी मॉडल से मुमकिन है, गुपकार मॉडल में नहीं। 2 दिन, 2 जनसभाएं, इरादा चुनाव का, वादा बदलाव का। संकेत साफ है और संदेश भी स्पष्ट कि जन्नत में जल्द ही लौटेगी जमहूरियत। ये दौरा उसी की दिशा में बड़ा कदम है। गृह मंत्री का मिशन कश्मीर पूरा, बदलाव के पक्के इरादे, किए कई वादे, जन्नत में जल्द लौटेगी जमहूरियत। कश्मीर में चुनाव अब दूर नहीं। घाटी का बदला सूरत हाल सीना चौड़ा करने वाला एहसास है। बीजेपी के थिंक टैंक होने के नाते ही नहीं, देश के गृह मंत्री होने के नाते भी जिन हाथों में पत्थर होते थे उनमें जमहूरियत के झंडे हैं। जिन लबों पर फौज के लिए वापस जाओ के जहरीले बोल होते थे, उस पर लोकतंत्र की आवाज है। गृह मंत्री ने मौके के मुताबिक ही विकास की डगर पर चलते कश्मीर की बात की तो साथ ही पूर्व सरकारों पर निशाना भी साधा। कुछ दिन पहले महबूबा मुफ्ती जी का मैंने ट्वीट पढ़ा था कि एचएम आप आ रहे हो, हिसाब देकर जाना कि क्या दिया है कश्मीर को। महबूबा जी कान खोल कर सुन लीजिए, आंख खोल कर देख लीजिए, आप और फारूक साहब दोनों देख लीजिए, हमने क्या दिया है इसका मैं हिसाब देता हूं। मगर 75 साल तक आपके 3 परिवारों ने यहां शासन किया, उन्होंने क्या दिया उसका हिसाब जरा बाद में करना। शाह के निशाने पर जम्मू कश्मीर की पूर्व सरकारें रही, मगर उन्होंने पाकिस्तान को भी आड़े हाथों लिया। कुछ लोग यहां पर पाकिस्तान की बात करते, मैं आज उनको कहना चाहता हूं, कभी भी आप आइए हमारे लोगों के साथ बैठिए, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में कितने गांव में बिजली है इसका हिसाब लेकर आइए। मैं बताता हूं आज हमारे कश्मीर के अंदर हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है। लगे हाथों अमित शाह युवाओं को फोकस करना भी नहीं भूले। बारामूला के सामने उन्होंने वो तस्वीर रखी जो युवाओं की तकदीर से जुड़ी थी। उन्होंने साफ साफ दोनों दौर की तुलना की। पहले क्या दिया घाटी के युवाओं, मैं बताता हूं आपने क्या दिया। महबूबा जी, फारूक साहब, आपने घाटी के युवाओं के हाथ में पत्थर पकड़ा है, बंदूक पकड़ाई है, और मोदी जी ने यहां पर इंडस्ट्री लाकर उसके हाथ में मोबाइल और लैपटॉप पकड़ाने का काम किया है, जिससे युवा अपने आप को रोजगार युक्त कर पाए। अपनी सरकार की कामयाबियों और विरोधियों की नाकामियों को गिनाने के बाद गृह मंत्री ने चुनाव का संदेश भी दे दिया। इशारों इशारों में बता दिया कि जैसे ही परिसीमन खत्म होगा चुनाव करा दिए जाएंगे। इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया कि पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। ये लोग कहते हैं पाकिस्तान से बात करिए, मैं चाहता हूं हम आपसे बात करें। वो लोग कहते हैं पाकिस्तान की सुनिए, हम कहते हैं घाटी की आवाम की सुनेंगे मित्रों। और ये लोग कहते हैं कि इनको जरा संभाल कर रखिए, मैं आपको कहता हूं दहशतगर्दी इसको मोदी सरकार सहन नहीं करेगी, दहशतगर्दी को हम जम्मू कश्मीर से उखाड़ कर फेंकेंगे। गृह मंत्री ने अपने बयानों को वजनदार बनाने के लिए विकास के बयार में लिपटे आंकड़े भी सामने रखे। मसलन 3 साल में नरेंद्र मोदी ने यहां 56,000 करोड़ का निवेश दिलाया। जम्मू कश्मीर में 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कराने के लिए 77 लाख लोगों को काट दिया है। यहां 1 लाख लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं था। मोदी सरकार ने साल 2014 से 2022 तक 1 लाख लोगों का ये सपना पूरा किया। ये नरेंद्र मोदी का ही विकास मॉडल है कि पुलवामा में उन्होंने 2000 करोड़ के खर्च से अस्पताल बनवाया। घाटी के बदलते मौसम में अमित शाह का दौरा सियासी सरगर्मियां तो बढ़ा ही गया।
विरोधियों को भी फौरी तौर पर बैकफुट पर धकेल गया। बारामूला से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।